टुक टुक टॉक शो देखने वाले सभी दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हमारे टुक टुक टॉक शो में है हमारे साथ ही मैन पंजाब पुत्र धर्मेंद्र। धर्म जी आपका हमारे टुक टुक टॉक शो में स्वागत है। धर्म जी मैंने आपकी काफी सारी फिल्में देखी है जैसे कि जुगनू लोफर, लेकिन जितनी भी मैंने आपकी फिल्में देखी है गणपति उत्सव में नवरात्रि उत्सव में जमीन पर बैठ के देखी है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम बहुत छोटे थे, लेकिन आपके इतने बड़े फैन थे कि हम आपकी एक भी मूवी नहीं छोड़ते थे। और कोई मूवी रात को 11 बजे चालू होती थी, कोई 10:30 बजे, तो हम घर पे जाते थे तो मार भी पड़ती थी हमारे पापा से कि वापस क्यों आया घर पे, उधर ही सो जाता, दूसरे दिन भी पिक्चर देख के आता। लेकिन आपके हम इतने बड़े फैन हैं, इतने बड़े फैन हैं और फैन थे और फैन रहेंगे कि हमने अपने पापा की भी मार खाई तो ऐसा लगता था कि हम आपकी मार खा रहे हैं। और बस तो हमने आपकी जितनी भी फिल्में देखी तहे दिल से जमीन पर बैठ के देखी है। बच्चे तूने मेरी जितनी भी फिल्में तूने कहा कि जमीन पर बैठ के देखी है, तो जो भी मुझसे प्यार करते हैं वो सब जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एक जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए तूने मेरी जितनी भी मूवीज देखी है जमीन पर बैठ के देखी है। आई लव यू बच्चे, आई लव यू। और मैं यही कहूँगा जितने लोगों ने भी मेरी फिल्में जमीन पे बैठ के देखी है उन सबको भी मेरा आई लव यू। और एक मेरी मूवी आई थी जवार भाटा, जिसमें पता नहीं मैं कहाँ से करोड़पति बन जाता हूँ और करोड़ों रुपए आ जाते हैं, मेरी जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, मेरे दादाजी छोड़ के जाते हैं इतनी दम दौलत। तो उसमें गाना है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो उसमें शायद तूने ये फिल्म भी मेरी देखी हो जोहर भाटा, तो उसमें मैं जितने अमीर थे उनको मैंने ज़मीन पे बिठा दिया और जितने गरीब मेरे दोस्त थे उनको मैं गार्डन में डाइनिंग टेबल पे बिठा के खिलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि मैं अपने दिल पे बिठा के खिला रहा हूँ उन सबको। और जैसे तूने कहा कि मेरे लिए तू अपने पापा की बीमार खाता था और ऐसा लगता था, इससे बढ़कर प्यार और क्या हो सकता है। ये प्यार है सबका मेरे साथ। और एक सवाल, आपकी जितनी भी मूवीज है सब सुपर डुपर हिट है, लेकिन ज्यादा जो सुपर डुपर हिट है जिसमें आपने चोर का किरदार किया है, जैसे मैं आपको बता दूं दो चोर, फूल और पत्थर जिससे आप स्टार बने, शोले, कहानी किस्मत की, जुगनू, यादों की बारात, लोफर, साजिश और भी काफ़ी सारे नाम हैं, अगर मैं गिनाने बैठा तो रात हो जाएगी, शो इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो जिसमें आपने चोर का किरदार किया है वो आपकी सब सुपर डुपर हिट मूवीज है? हाँ, वो मैंने पहली फिल्म चोर की मैंने जो की थी, चोर का किरदार किया, वो थी फूल और पत्थर। वहाँ से बस सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे मैंने काफ़ी चोर का किरदार किया, जैसे कि मैंने दो चोर, पॉकेट मार और मेरा गांव मेरा देश में भी मैं चोर ही था। तो मैं चोर का किरदार इसलिए करता था, उस वक्त लोग एक दूसरे की एक्टिंग चोरियां करते थे और मैं चोर का किरदार करके अपने चाहने वालों का दिल चुरा के ले आता था। वो कभी मच्छी के तौर पे होता था तो कभी डायमंड के तौर पे। वो बात ऐसी थी कि मैं जो है वो बस अपने फैंस का दिल चुराता था। और जब भी मैं कोई चोर का किरदार करता था तो मैं ब्लैक जैकेट या ब्लैक कोट पहन के ही निकलता था। वो इसलिए कि मेरी जितनी भी फिल्में हैं उनकी टिकटें भी फिर ब्लैक होती थी। और आज भी मैं तेरे सामने बैठा हूँ बच्चे ब्लैक एंड वाइट पहन के, वो इसलिए कि सबको याद हो जाए कि मैं ब्लैक एंड वाइट ज़माने से हूँ। और अभी तक जो है मैंने फिल्मों में तहलका और हुकूमत छोड़ी नहीं है, तहलका मचा रखा है और हुकूमत कर रहा हूँ।
और करता रहूंगा, आप लोग का प्यार होगा तो। और हमने ये भी सुना है कि आपका जब भी बर्थडे होता है काफ़ी आपके फैंस आते हैं, आपके बंगले के बाहर खड़े होते हैं, और मैं भी आया हूँ। आप किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, सबसे मिलते हैं, आप एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ है। आपने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, और जबकि आपके ज़माने में इतना बड़ा कंपटीशन था उस वक्त कि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे आपके सामने, जितेंद्र जी थे, शशि कपूर जी थे, मैं तो कहता हूँ राज कपूर जी, देवानंद जी, दिलीप कुमार जी भी थे ही उस टाइम आपके कंपटीशन में, और बाद में बच्चन साहब आए, बाद में फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी, विनोद खन्ना सब, और आपको डांस भी नहीं आता था, उसके बाद भी आपकी जो डांस की स्टाइल है लोग आज भी उसकी कॉपी करते हैं, और सबसे बड़ा डांसर आपको ही मानते हैं, हम तो आप ही को मानते हैं। तो इस बड़े कंपटीशन में भी आप अपनी जगह बना के चले एकदम। हाँ वैसा है बच्चे, मेरे बंगले पे सब आते हैं जन्मदिन में, मेरे लिए दुआएं मांगते हैं और अपना प्यार बांटते हैं, मैं भी उन्हें प्यार देता हूँ। जो मेरा धर्म है, मेरा नाम धर्म है, और मेरा काम भी है कि धर्म के साथ रहना, और बस। और रही अवार्ड की बात, तो मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए था, दो दिन बाद थोड़ा मुझे भी लालच आया कि चलो यार नया सूट बूट सिलाओ, सिला के जाऊँ, कहीं अवार्ड ना मिल जाए मुझे। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो आंखों से तुम्हारे तलवे चाट लेंगे, अगर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो। मैंने कई बार देखा है आप सामने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, उसको तो छोड़ो, कोई प्रोडक्शन वाले के सामने भी आप खड़े हो जाओ तो अपनी नज़रें घुमा के यहाँ वहाँ देखेगा, यहाँ वहाँ देखेगा, चला जाएगा। मतलब हमसे ज़्यादा वो एक्टिंग करते हैं जब हमारी ज़रूरत नहीं होती है तो, और जब ज़रूरत होती है तो यहाँ फ़ोन घुमा देंगे, वहाँ फ़ोन घुमा देंगे, आपके घर तक आ जाएंगे, पापा जी तुसी चलो, पापा जी बड़ी ग्रेट मूवी है, ये वो है, सब चलता रहता है। कुछ असली लोग भी हैं और नकली लोग भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, सब जगह ये चलता है, बिजनेस में चलता है तो। और पहले ये जो फिल्म इंडस्ट्री थी ये मंदिर थी, अब ये मंडी बन गई है, बस जो आता है जो बनाते जाओ बनाते जाओ। और सत्य काम में जो मैंने काम किया है उसमें मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, लोगों का प्यार मिला। और जो मैंने उसमें मरने की एक्टिंग की है, कि जब भी मेरी मौत नज़दीक आती है तो चेहरा ढल होता है, और इंसान जब धीरे 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 उसकी तबीयत खराब होती है तो उसका चेहरा भी उतना ही ढल होना चाहिए। वो नहीं कि बस या तो बोलते हैं अरे मरने में जान डालो, मरने में जान डालो, पापा जी मरने में, तो मरने में जब जान डालने जाओ तो बस इंसान मरता ही नहीं है फिर। तो मैंने कोई मरने में जान नहीं डाली ना, और मेरे साथ इतनी बड़ी कंपटीशन थी, जैसे आपने भी कहा बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, लेकिन रब का आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि मैं भी उनके साथ चलता रहा। ये आप लोग का प्यार है, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, ये प्यार ही होता है जो इंसान को आगे लेके चलता है बस। और मेरी डांस की तो कॉपी करते हैं, वो पता नहीं मैंने क्या किया, यूं यूं कर दिया, मुझे तो डांस आता नहीं है तो वो भी हिट हो गया। जब मामला हिट होने वाला होता है तो आप कुछ भी कीजिए हिट हो जाता है। बस प्यार चाहिए लोगों का, कैमरे का साथ चाहिए, और एक कैमरा जिसका दोस्त बन जाता है तो उससे एंड तक दोस्ती निभाता है। जैसे आज मेरे साथ ये कैमरा जो है एंड तक दोस्ती निभा रहा है और निभाएगा। बस यही कहूँगा कि जैसे मैंने सत्यकाम मूवी बनाई थी, सत्यकाम में मैंने एक्टिंग की थी, उसमें मैं सच बोलता हूँ और सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। अरे बात तो है ही, सच हमेशा सबको कड़वा लगता है। सच्चाई सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, सच्चाई बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। इंसान न जाने क्यों सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सच्चाई नहीं सुन सकता है, लेकिन जीत तो हमेशा सत्य में चाहते की होती है, सच्चाई की होती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि
सच्चाई के रास्ते पे चलो, चलते चलो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। शॉर्टकट मत मारिए। कई लोग होते हैं यहाँ वहाँ से शॉर्टकट मारते हैं, इसको पकड़ेंगे पापा जी ऐसे हो गया, उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, दो नाव में तीन नाव में पांव रखते हैं फिर हिल जाते हैं, डगमगा जाती है इनकी नहीं है जो है। बस मैं यही कहूँगा मेरे चाहने वालों, आपका प्यार इसी तरह बरकरार रहे मेरे ऊपर, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। जी हाँ, ये तो मुझे भी बड़ा आज भी दुख है, मुझे क्या सभी को, कि सत्यकाम आपकी एक ऐसी मूवी थी जिसमें आपने बेहतरीन एक्टिंग की है, और जो मरने के आपने वेरिएशन दिए हैं एक एक अलग 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 अलग, जब भी शर्मिला जी आती है आपके, जैसे इंसान एक जब बीमार होता है तो आस्ते आस्ते उसका कैसा चेहरा डल, वरना मैंने देखे जितने भी बड़े स्टार है एक ही सीन में शॉर्टकट में इतने लंबे 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 डायलॉग बोलते हैं और डायलॉग की तो जान निकाल ही देते हैं, बाद में अपनी जान निकालते हैं। लेकिन सत्यकाम में आपको अवार्ड मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बड़ा मजा आया, आप हमारे टुक टुक टॉक शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ा मजा आया आपके टुक टुक टॉक शो में बातें करके, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा शो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।